समोसा पकौड़ी खाना भूल जाएंगे जब बनाएंगे सिर्फ दो कच्चे टमाटर से ये नई रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जब भी आपको जोरों की भूख लगे, रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे, तो फटाफट से ये नाश्ता बनाएं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही नई रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। तो चले दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने दो कच्चा टमाटर लिया है, जिसे पानी से अच्छे से धो लिया था। टमाटर को एक पैन में रखिए और इसमें थोड़ा सा पानी डालिए। पानी इतना डालिए कि टमाटर आधा हमारा डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करिएगा। गैस पे इस पैन को रखिए और पैन में हमने टमाटर और पानी डाला है। पैन को ढक दीजिए मीडियम फ्लेम पर। हम टमाटर को 4 मिनट तक पका लेंगे। हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर उबल नहीं जाता। तो देखें, यहाँ पे टमाटर पक चुका है। जो हमने पानी डाला था वो बिल्कुल कम हो चुका है। तो जब टमाटर इस तरीके से पक जाए तो गैस को बंद करिए। टमाटर को एक एक करके प्लेट में निकालिएगा। तो हमने टमाटर को यहाँ पर प्लेट में रखना है, क्योंकि टमाटर हमें पहले ठंडा करना है। ठंडा होने के बाद ही हम टमाटर को का काम आगे शुरू करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने टमाटर को रख दिया है ठंडा होने। और बिल्कुल ठंडा जब टमाटर हो जाए तो आप टमाटर के जो छिलके होते हैं, इसके ऊपर की जो स्किन होती है, उसे निकाल दीजिए। इस रेसिपी में हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, हमें छिलके हटा देना है। तो यहाँ पर जो टमाटर का छिलका है उसे हमने हटा दिया है। और टमाटर को चाकू से काट लीजिए। टमाटर के अंदर जो नीचे का हिस्सा, जहाँ पे इसकी डंठल होती है, वो पार्ट बहुत मोटा होता है, तो इस डंठल को हम बाहर निकाल देंगे। अब मिक्सी का एक जार लीजिए। जार में जो टमाटर हमने यहाँ पे काटा था उसे डाल दीजिए। ढक्कन लगा दीजिए। बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लिया है हमने। और लीजिए, यहाँ पर पेस्ट हमारा बन के तैयार है। तो हम इसको कटोरी में निकाल के रख लेंगे। तो देखिए, एक कटोरी भर के दो कच्चे टमाटर का यहाँ पे पेस्ट हमने बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर एक बोल में 1 कप आटा डालेंगे। और जब आप इसका गेहूं का आटे का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। कुछ मसाले डालते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच कसूरी लाल मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो आप इस मसाले को, घर में हमारे रहते ही हैं, घर का सभी चीज़ें इस मसाले में जो हमने डाली है, ये सभी चीज़ें आपको घर में अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। आटे के अंदर मसाले डाल दीजिए। उसके बाद हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। हमने 1/2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया था। अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिला लीजिए। तो अभी हमने यहाँ पे इसे मिला लिया है। इसके बाद 1/2 चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। तेल से बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता हमारा ये नाश्ता बनेगा। बिल्कुल बढ़िया से मसल लीजिए ताकि तेल आटे में अच्छे तरीके से यहाँ पर लग जाए। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है डालना। अगर धनिया आपके पास नहीं है तो आप इसे बिना धनिया के भी बना सकते हैं। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था, यहाँ पर हम आटे में उसे डालेंगे और बढ़िया से मिलाएंगे। इस आटा लगाने के लिए हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसी पेस्ट से हम आटा लगाएंगे। तो बचा हुआ जो पेस्ट है सारा हम इसमें डाल देंगे और इसका एक सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करेंगे। तो जब भी आटा लगाइए, बहुत ज़्यादा हार्ड ना रहे, मीडियम टू सॉफ्ट आटा लगाइए और आटे को अच्छे तरीके से चिकना करिए। और इसे हम मसल मसल के इसे चिकना करेंगे ताकि बिल्कुल बढ़िया सा यहाँ पे आटा, चिकना सा आटा लगा के तैयार कर लिया है हमने। और इसे 1 मिनट तक इसी तरीके से चिकना कर लीजिए। आटा हमारा तैयार है दोस्तों। 5 मिनट के लिए इसे ढक दीजिए और इसे सेट हो जाने दीजिए। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद हम इसे देख लेते हैं। ढक्कन हटा दीजिए। आटे को हमने चॉपिंग बोर्ड पे रख दिया है। थोड़ी देर इसे मसल के चिकना कर लीजिए। और जैसे हम नींबू के आकार के यहाँ पे इसके पेड़े तोड़ेंगे, तो आप चाहे तो थोड़े से छोटे भी पेड़े तोड़ सकते हैं, लेकिन हम मीडियम हिसाब से नाश्ता बना रहे हैं, इसलिए थोड़े से छोटे छोटे ही यहाँ पर हम पेड़े तोड़ेंगे। जैसे नींबू रहते हैं, बस उसी आकार के पेड़े बनाकर इसे भी हमने यहाँ पर चिकना कर लिया है। और देखिए, सभी पेड़ तैयार है। तो अब हम बेलन से इसे बेलेंगे। तो बेलने के लिए आप चाहे तो बेलन से बेल सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी गिलास या कटोरी से इसे बेल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसे बेलन से बेलेंगे और थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे। आप इस नाश्ते को अगर छोटा थोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसे बड़ा बड़ा बनाएंगे। इस तरीके से बनाइएगा दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़े से बड़े बनाने से ये होता है ना कि जब आप बच्चों को टिफ़िन में रख के देना चाहते हैं तो उन्हें इस तरीके से दीजिएगा, तो बिन किसी भी अचार, सब्जी या चटनी की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना टेस्टी हमने ये आटा लगाया था।
एक देखिए यहाँ पर हमने इसे बेल लिया है, तो हम इसे प्लेट में निकाल के रख लेंगे। इसी तरीके से दूसरा भी हम आपको बेल के दिखाते हैं। तो आप चाहे तो किसी भी कटोरी से या किसी भी ग्लास से या कुकीज़ कटर से इसे काट सकते हैं। ऐसे बेलना बहुत आसान है, आप इसे अब छोटा या बड़ा अपनी पसंद से बेल सकते हैं। तो अब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे। आप तो तेल में फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से ही गर्म किया हुआ था, और जब तेल अच्छे से गर्म कर लीजिए उसके बाद एक एक करके ये जो नाश्ता हमने बनाया था दोस्तों इसे डाल दीजिए तेल में। कलछे से हल्के हल्के इसे हिलाइए, इससे ये बहुत ही फूले फूले बनेंगे। और इसमें एक तरफ जब पक जाए तो इसे पलट दीजिए। देखिए कलर बहुत बढ़िया सा आया है, टमाटर का ये नाश्ता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे दोनों साइड पक जाने के बाद प्लेट में इसका निकाल लीजिए, सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाने दें, उसके बाद ही हम इसे बनाएंगे। और फिर से जब एक प्लेट में रख दीजिए उसके बाद दूसरा हम इसी तरीके से कढ़ाई में डालेंगे। इसे भी हल्के हल्के हाथों से कलछी से दबाइए ताकि ये सभी नाश्ते हमारे फूले फूले देखे बन रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल फूली फूली यहाँ पर नाश्ता बन रहा है। तो एक तरफ इसे पलट दीजिए और इसे दोनों तरफ से इसी तरीके से पका लीजिए। जब दोनों साइड बढ़िया से कलर आ जाए तो इन्हें प्लेट में निकाल के रख लीजिए, सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाने दें। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने सभी बचे हुए यहाँ पर नाश्ते बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों गर्मा गर्म यहाँ पर हमारा सिर्फ दो कच्चे टमाटर से ये नाश्ता बन के तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी बना है, खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। इसे खाने के लिए आपको ना किसी अचार की ज़रूरत पड़ेगी, ना चटनी की, ना सब्ज़ी की। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं क्योंकि हमने इसे बहुत चटपटा बनाया था और खाने में बहुत टेस्टी बनाया था। जब भी आपको रोटी सब्जी बनाने का मन ना करे इसे ज़रूर बनाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।